चैंपियंस। गाड़ी जो है नहीं जाने देंगे। नहीं बोले तो दोला उसको ना पैसे दे। कोई जा रहा है इधर आजा, इधर आजा मेरे साथ आजा। गाड़ी नहीं 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 इधर आजा ओए। जाओ यार काम धंधा करो ना अपना। जाओ कितने को भाई जो गाड़ी में बैठो। चलो निकलो यहां से ओए। चलो भाई ओ भाई आजा भाई। ठीक है ना किसने गवा लिया भाई उनका काम ऐसे बात नहीं जा रही है। आप देखो हम बात करते हैं। चलो इन दैट बुरी बात है पागल है क्या? जी हम आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब बहुत सारी बातें आ रही हैं बट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी यहाँ। कुछ नहीं मैं अगर डिस्क्लोज करूँ तो शायद ये यहाँ किसी को मुंह भी ना दिखाए। और उसी वक्त में पीछे से कल्टी मार के वैन की तरफ निकल गया कि भाई मेरी जान तो बची जाए। और फिर जो आगे सीन हुआ है वो तो भाई बड़े भाई आपका ताल्लुक क्या है इसके साथ? आपका ताल्लुक क्या है? नहीं ताल्लुक नहीं है ना। हम बात कर लेंगे हम बात छोड़ दे जाओ यार काम धंधा करो ना। जाओ कितने आप पीछे आ जाओ बढ़िया। अबे भाई कहीं नहीं जाने देंगे दफ्तर ही जाएंगे। चलो वो थाने जाओ थाने पहले लेटो आप भाई। सारे डेयर एक तरफ लेकिन ये जो अंडा खिलाने वाला थाना डेयर इसमें सबसे ज्यादा मजा आई। सलाम अलैकुम बाबा। हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं सिद्रा। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा ये असाइनमेंट है अगर हम इसमें जीतेंगे तो हमें एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे लिए काम करना होगा। अगर आप कर देंगे तो हम लोग एहसानमंद रहेंगे आपके बच्चों की जगह। आप मुश्किल है मुझे पता है हम लोग जो चीज़ मांग रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। आप हमारे लिए बस एक अंडा खाना होगा छिलके के साथ कच्चा अंडा। बाबा प्लीज कर दें। बाबा प्लीज बाबा हाँ बाबा प्लीज बाबा मुझे अपनी बेटी समझ के मेरे लिए कर दे। जैसे भी आपको करना है बाबा प्लीज हम कुछ भी करेंगे जस्ट प्लीज ये कर दें। नहीं छिलके के साथ ना खाना है। हमारे बाबा मार्क्स हैं अगर आपको कोई मेडिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो हम पास हो जाएंगे। प्लीज 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 खा लीजिए। हां बीमार हूं। अच्छा बाबा ओके अगर आपकी तबीयत का मसला है तो ठीक है ओके बीमार हूं। इट्स ट्राई समथिंग एल्स। ओके सिद्रा दैट रुमाल लगाया दैट दिस नहीं यू वोंट डू ही कैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप क्या करते हैं? अच्छा हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने एक टास्क कर रहे हैं तो हमें उसके लिए हमारे एग्जाम्स के लिए नंबर्स कलेक्ट करने हैं। पर अगर उसके लिए हमारे लिए लोगों से हमें कोई काम कराना है अगर वो हमारे लिए कर देंगे तो हम एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। एक कच्चा अंडा खाना है छिलके के साथ। कच्चा अंडा खैर है लेकिन छिलके के साथ नहीं होगा। एक एक कोशिश तो करके देखिए अगर कुछ कर रहा है ना छिलके के साथ नहीं होगा। एक बार हो जाएगा। मेरे लिए कोशिश कर लीजिए प्लीज। वो इतना बोल रही है सिद्रा दो प्लीज प्लीज तुम अपने हाथ से होगा नहीं छिलके के साथ प्लीज 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 मेरे लिए कर लीजिए। होंगे नहीं ना
तो आप एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। कच्चा अंडा खाने की बात है, कच्चा खैर है, लेकिन छिलके के साथ का? तो यही तो हमें हमारे डॉक्टर्स ने जो भेजा है प्रिस्क्रिप्शन, तो हमें तो वही आपको देना है ना। प्लीज कर दीजिए। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हम यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं बाबा। एक छोटा सा फेवर चाहिए, एक छोटा सा काम आपको हमारे लिए करना है तो हम लोग एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। बस आपको एक कच्चा अंडा खाना होगा हमारे लिए। कच्चा अंडा खाना? बाबा कुछ भी करेंगे आप, बदले में कुछ भी करवा लो, बस ये कर दो प्लीज। कच्चा अंडा? हाँ, लेकिन छिलके के साथ खाना होगा बाबा। मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाओ तो मैं लेके दे रहा हूँ। नहीं, हमारे पास है, हम नहीं खा सकते, हमें खिलाना है। नहीं खाएगा बाबा प्लीज, बाकी सब कुछ कर लेंगे। कच्चा अंडा नहीं? ठीक है ओके, आप कर दोगे यार? यार ये कच्चा अंडा खा लोगे मेरे लिए प्लीज यार, छिलके से मत खाओ। तो यार पानी पी लेना, कम है, पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, एक फेवर चाहिए। हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं, वी आर डूइंग अ थीसिस। अगर हम लोगों को कन्विंस करना है आम लोगों को कि यार हमारे लिए कच्चे अंडे खा लें, पता है एक बंदा इनिशिएशन लेगा तो बाकी सब वो कर लेंगे। सिर्फ एक प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज कर दीजिए, आप में से कोई भी कर दे प्लीज, इनको आप लोग बोल दें एक अंडा, सिर्फ एक की बात है, सिर्फ एक अंडा तो खाना है। प्लीज कर दीजिए, प्लीज 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 कर दीजिए। आस्क हिम आई एम कन्विंसिंग हिम। प्लीज कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेडिकली, आपको कुछ लग रहा है कि वो हो जाएगा, अगर आपका दिल खराब हो बाद में पानी पी लीजिएगा। प्लीज प्लीज कर दें, उठक बैठक करूं कर देंगे, कर दें के साथ हमारे। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कर लीजिए, कोई मजबूरी होगी तो बोल रहे हैं, वरना आपको नहीं बोलते। प्लीज प्लीज कर दें, आप सोच रहे हैं? हाँ बोलो बाबा को, प्लीज कर दें, प्लीज सर कर दीजिए। Yeah, he's doing. Please, आप भी कर दें, कुछ भी नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, असाइनमेंट है ना, आप कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं जाएगा। तुम मना कर रहे हो मैन, प्लीज तो पानी पी लेना, हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो बाबा। यार ये छिलके के साथ जो ना वो भरने बहुत बड़ा, उधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा एक काम करेंगे, मैं अगर मैं कहूँ आप मेरे लिए कुछ करें तो आप मेरे लिए कर देंगे? सलाम कर देंगे यार, ये दे वांट टू वॉलंटियर यार, वी आर डूइंग अ टास्क, हम लोगों को जो है अभी मेरा टास्क, उससे मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ यार। अच्छा मेरी बात तो सुनो, बड़ी रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हें केस भी दूंगी, तो मुझे केस कर सकती हो? प्लीज एक कच्चा अंडा खा, देखो मैं किसी मजबूरी के तहत बोल रहा हूं, मुझे और मत कुछ बुलवाओ प्लीज, सिर्फ एक कच्चा। देखो हो सकता है तुम लोग के लिए भी कोई फायदा हो, सही है? पर तुम्हें नहीं पता कि इन रिटर्न तुम्हें क्या मिल सकता है? प्लीज डू दैट, प्लीज प्लीज, चार बंदे एक एक कच्चा अंडा खा लो, कच्चा अंडा खा लो। अरे कुछ यार प्रोटीन होता है जिम के लिए, तो तुम लोग करते ही होगे ना? प्लीज डू दैट, प्लीज कर दो। इफ एनीवन ऑफ यू कैन डू दैट यार, ट्राई करके देखो यार, आप चालू कर सकते हो? सिर्फ मैं तो खा भी लूं, मैं जा रहा हूं, प्लीज खा लो, प्लीज खा लो, नहीं नहीं जल्दी जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास, प्लीज जल्दी खा लो, प्लीज 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 प्लीज। कुछ भी नहीं होगा मैं कह रहा हूं, इफ यार प्लीज प्लीज प्लीज, मैं समझ रहा हूं, तुम एक करेगा दूसरा करेगा, अपने मुंह के अंदर डाल के प्लीज खा लो। अगर कोई मजबूरी ना होती तो इतना नहीं रोड पे हम लोग निकल रहे, मजबूरी है ना, प्लीज एक एक अगर तुम लोग खा लो, प्लीज प्लीज प्लीज, अब तुम करोगे ये भी कर लेगा, खा लो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मुंह में डालो निकल लो, सांस बंद करो, मुंह में डालो निकल लो, निकल लो निकल लो, मैं पिला दूंगा, पानी तुम जूस भी मांगोगे हम लाके, मैं लाके दूंगा, तुम पियो, मैं तुम्हें पिला रहा हूं, बोल रहा हूं यार खा लो प्लीज, प्लीज खा लो प्लीज प्लीज, हां हां डाल लो यार, प्लीज प्लीज गो 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 यार, प्लीज खा लो प्लीज प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? अयान, आप और प्लीज, मेरा नाम प्लीज, दोनों प्लीज रिक्वेस्ट करिए जल्दी, प्लीज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, प्लीज जल्दी 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 जल्दी, नहीं नहीं खा लो प्लीज, जल्दी से खा लो यार, नाराज जाएगी उसके बच्चों को कच्चा खा यार, मतलब तुम लोग यंगस्टर्स हो के ये नहीं कर सकते, मजबूरी है प्लीज समझ लो यार, प्लीज अयान, इट इज यू कैन डू इट अयान, प्लीज अयान कुछ नहीं होता, प्लीज खा लो, मैं कच्चा खा लूंगा यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से कर दो, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज प्लीज अरे हमारी प्लीज 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 प्लीज, खा लो गुड 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 गुड, बस थैंक यू सो मच, प्लीज कुछ भी नहीं, प्लीज डू दैट सिद्धार्थ, गिव मी यार यू, प्लीज 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 प्लीज, एनीवन कैन डू दैट, ओके वी गॉट टू, कच्चा अंडा खाना,
कुछ भी नहीं होगा बेटा, उन्होंने भी तो खाया है। प्लीज हमाद, एनीवन जी, कैन यू डू दैट? हां प्लीज, मेरे लिए कर देंगे, हो जाएगा। प्लीज कच्चा अंडा कर खाने, देखिए पीछे दो अंडे खिला चुके हैं। प्लीज इसमें क्या फायदा है? हमारा फायदा है, हमारा भी फायदा है। प्लीज कर दीजिए, कच्चा खाना है जी। दो लड़कों ने खाया है, ये पकड़े, मैं आपके, वो दो लड़कों ने खाया, कुछ हुआ? इसने भी खाया, बच्चा और खा ले मेरे। प्लीज अभी उनको भी खिला रहे हैं। प्लीज मेरे लिए, सर मेरे लिए कर दीजिए। प्लीज सिर्फ सर, प्लीज प्लीज डू दैट सर, प्लीज थैंक यू सो मच। नाक पर कुछ, मैं कह रहा हूं मुर्गी का सर, नॉर्मल मुर्गी का अंडा है, कुछ भी नहीं। हम लोग खुद मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। इधर आओ, इधर आओ यार, ये भी है ना, इधर तो एक मिनट, एक एक कच्चा अंडा हमारे लिए खा लोगे? एक एक कच्चा अंडा हमारे लिए खा लोगे? प्लीज प्लीज, पठान तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे लिए नहीं खा सकते। प्लीज यार प्लीज, नहीं खतबाज नहीं है, झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें, मुझे पश्तो समझ आती है, बोलूंगी पश्तो में अगर तुमने एक अंडा खाया। आई प्रॉमिस, आई लव यू, बोलेगी आई लव यू इन पश्तो। तासर अमीना कुमा, तासर अमीना कुमा, सही है ये? हाँ ये बोलेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, ये खा लो, प्लीज प्लीज, इतना बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी मुंह में डालो, सिर्फ ऐसे करना है और बस, कुछ भी नहीं, मुंह में डालो, निकल लो, कर लो जल्दी, करो प्लीज, जल्दी से खा लो, खा लो खा लो, कुछ भी नहीं होगा यार। तुम तो पठान हो, तुम तो समझो, कम से कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमने खरीदे हैं आज, और ये हम खरीद के लाए हैं। अगर ये तुम्हारे हाथ पे किस करे तो दोगे? आज मैंने किस यू, सही है, तुम्हें किस दे रही है वो पप्पी, अब तो कर ले, क्या पता कल को तुम मशहूर हो जाओ। प्लीज 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 खा ले, प्लीज नहीं ऐसे बस मुंह में डालना, कुछ भी नहीं होगा, खा जाओ मेरे लिए, खा लो प्लीज, मैं किस कर रही हूं यार, कच्चा अंडा प्लीज खा लो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मुर्गी का अंडा बुलाओ यार, कोई खाएगा? तुम दोस्त लेकर आए थे यार, कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात सुनो, सिर्फ दो मिनट दे दो, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इतना नहीं कन्विंस करता रोड में मुझे निकलने का। प्लीज आई कैन नॉट टेल दैट ना, प्लीज यार, प्लीज प्लीज जल्दी कर लो यार, प्लीज यार, मेरे समझो ना मजबूरी, यार मेरी मजबूरी समझो, प्लीज छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के कर ले भाई, यार कोई तो फेवर कर दो यार, प्लीज बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यार, पागल हो गया तू? हाँ उसने नहीं खाया, नहीं आप इसे कोई हमारे लिए कर सकता है प्लीज, प्लीज यार, एनी वन ऑफ यू प्लीज यार, कुछ भी नहीं होगा, अगर किसी को कुछ हुआ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अगर मेरा वो होता तो मैं खा लेता ना, मुझे टास्क वो मिला हुआ, असाइनमेंट मिला हुआ है, तुम्हें क्या पता तुम क्या कल को हो सकता है, तुम फेमस हो जाओ, कोई चीज ऐसी हो, प्लीज डू दैट एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर दिस, प्लीज ये कर लो यार, अभी दो तुमसे दो दुकान से लागे दो, अभी तुम्हारे सामने, प्लीज कर लो, दुकान से लागे दो, अभी तुम्हारे सामने खाऊंगा, सही है, हाँ लागे दो फिर खाओगे, छिलके के साथ खाऊंगा, दुकान से लागे दो अभी खाऊंगा, सही है, सही है, तुम कह रहे हो ना कैसे खाऊंगा, तो वैसे सभी दो बच्चों ने खाया, हाँ मैं खा सकती हूँ, अगर मुझे खाने को कहा होता तो मैं, मुझे कहा नहीं है ना, ओके ठीक है थैंक यू। जब मेरा और आमिर का टास्क आया तो आमिर साहब ने जो कारनामा उधर किया वो बहुत ही मजे का था, मुझे थोड़ा बहुत अजीब भी लग रहा था। आमिर ने लोगों को जाके बोला, यार एक काम है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये लंदन से आई है, तो ये मतलब पाकिस्तानियों में बिलीव नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तानी में से बहुत हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये बोल रही है पाकिस्तानी बात नहीं सुनते किसी की, मतलब मैं, आप पाकिस्तानी हो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो इसे राज़ी करने के लिए आपको एक अंडा खाना पड़ेगा। इसने कहा, मैंने कहा तुम जो चीज़ कहोगी मैं लेके आऊँगा, मतलब जो चीज़ पकाओगी चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन इसने कहा नहीं, अगर तुम्हारी बात एक भी सुन लेना, यहाँ पाकिस्तानी नहीं सुनते बात, उनको समझ में नहीं आती प्यार के मतलब, उन्हें नहीं पता, आप इसे दिखा दे आप, हम पाकिस्तानी कितने दिल वाले लोग हैं, एक घंटा खा ले वरना ये मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, मैंने कट्स भी दिए हुए हैं, रोड पे आ जाओ बनने के लिए तैयार, नहीं खा रहा इधर, सब बोल रहे खा रहा है, अबे इतनी एक्टिंग है, नहीं खा सकते अंकल, नहीं खा, एक्सक्यूज मी, ये आप खा सकते हैं अलोंग विद दिस, आप ये खा सकते हैं छिलके के साथ, अंकल खा ले प्लीज, आई लाइक योर पर्सनालिटी, प्लीज 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 डोंट डिनाई, प्लीज इट्स खा ले, इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट, प्लीज लंदन से आई है, प्लीज प्लीज मैं पाकिस्तानी हूं, ये देख मैं भी लंदन रह के आया हूं, प्लीज ये भी अभी आई है, मुझे प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज एक खा ले, कुछ नहीं होता अंकल, लाला एक काम करोगे, लाला एक अंडा खा, लाला ये लंदन से आई है, मैं से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करनी है, मुझे शादी नहीं कर रही, मुझे बोल रही है पाकिस्तानी नहीं मानते बात,
एक बात मान ले, ये मुझसे शादी कर लेगी, प्लीज लाला एक खा लो, एक लाला, एक लाला मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी है ये लाला, मेरी जिंदगी है, खुश हो जाऊंगा लाला, एक खा लो यार लाला, एक खा लो यार, एक खा लो, कुछ नहीं होगा लाला प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है लाला, खा सकते तो आप यार, लेने की जरूरत ही नहीं लाला, एक खा ले इसके साथ आप, छिलके से आप खा सकते, एक खा ले लाला, एक खा ले, ये जरूर, ये रोज खाता है कसम से लाला, एक खा ले लाला, मेरी जिंदगी का सवाल है लाला, जिंदगी का, शादी करनी है मुझे उससे लाला, शादी का सवाल है लाला, मेरी जिंदगी का सवाल, मुझे बहुत प्यार करता हूँ, माय गॉड, एक और खाएगा, बस एक और खाओगे, थैंक यू यार, थैंक यू, आई लव यू, एक और खाओगे प्लीज, मोहब्बत के लिए खा लो यार, खाएंगे एक प्लीज, खा ले, गंदा नहीं अंडा है ना, खा लो मुंह में थोड़ा सा प्लीज, अच्छा हो जाएगा, यहीं से शर्ट लगी है वो, तंग कर रहा है मुझे प्लीज, नहीं आप खाओगे, छिलके के साथ अंडा खा लो, आप खा लो, मुझसे नहीं खा रहा प्लीज, उसके लिए मेरी मोहब्बत के लिए यार, वरना वो मुझे शादी नहीं कर रही, सिर्फ अंडा ही तो खाना है, उसे शादी कर लूंगा मैं, प्लीज एक खा ले यार, यार इसके लिए खा ले, देख वो मुझसे शादी नहीं कर रही, एक खा ले, वो लंदन से आई है, पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की होती तो मैं मना लाता, हम दीवा, हम दिल वाले लोग है ना, पाकिस्तानी बात सुनते ना, इसे समझाना है, प्लीज एक खा ले, एक खा ले यार, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, देखो कितने दिल वाले होते हैं, दिल के लिए खा रहा है, दिल के लिए खा रहा है सिर्फ, अंकल अंडा एक, ये लंदन से आई है, मतलब मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, ये बोल रही है, बात नहीं सुनते, पाकिस्तान दिल वाले है ना, सुना देना बस, एक अंडा खाना है अंकल, शादी कर लेंगे, एक दर्जन चाहिए, ये खा लेंगे आप, एक दर्जन, आप खा लेंगे, एक दर्जन, पहले ये तो खाएं, ये तो खा ले, इसके साथ खाना है, पूरे लेकर आओ, छिलके के साथ, इसके साथ नहीं खाना, पूरे लेकर आओ, जा बाबा काम कर अपना, दो खाए अंकल, तीन बचे हैं सिर्फ, खा ले अंकल, एक तो खा ले भाई, एक खा ले अंडा प्लीज भाई, शादी का सवाल है भाई, मेरी शादी की जिंदगी का सवाल है, मैं से शादी करना चाहता हूँ, शादी नहीं कर रही मुझसे, प्लीज एक खा ले यार, एक अंडा खा ले, मेरी जिंदगी का सवाल है यार, मेरी जिंदगी का सवाल है, excuse me, excuse me, excuse me, पैसे नहीं है मेरे पास, अभी एक खा सकते छिलके के साथ, मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, अभी एक खा सकते छिलके के साथ, प्लीज एक अंडा खा ले, प्लीज, अंकल तंग ना करें, अंकल तंग नहीं करें, बस इधर आ जाओ, एक भाई अंडा खा लेंगे प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है, ये खुश हो जाएगी, प्लीज लंदन से आई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, प्लीज एक अंडा खा लो यार, प्लीज एक खा लो, पाकिस्तानी दिल वाले होते हैं यार, एक अंडा खा ले भाई, कुछ नहीं होगा, प्रोटीन है इसमें, इधर बैठो, कुछ नहीं होता, ये खाओ, प्लीज खा लो यार, अंडे से कुछ नहीं होता यार, प्रोटीन होता है, अब रावेल यार एक बात सुन ले, प्लीज प्लीज एक अंडा खा लो, प्लीज चुप रहो, एक अंडा खा लो यार, प्लीज, इससे शादी होने वाली है मेरी यार, मैं नहीं खा सकता यार, शादी नहीं कर रही, एक खा लो यार, एक खा लो अंडा, मुझे अंडा पसंद नहीं, अंडा खाओगे छिलके के साथ, अंडा खा लो यार, एक अंडा खाओ, या तुमने देखो होगा मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, बस ये शादी कर लेगी मुझसे, पाकिस्तान दो, मुझे दो अंकल को, दो एक नहीं, दो दे दो, एक जेब में डाल लूंगा, नहीं दोनों खा, दोनों खा लेना अंकल, तीन हो गए, थैंक यू, एक और खा ले, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, पास पे पूरे बैठा, एक खा ले, एक खा ले, सिर्फ एक खा ले अंकल, खा ले अंकल, दे ना अंकल, देना खिलवाना है, खा लेना प्लीज, खिलवाना है ना, जितना है खाएगा कोई, खा लो ना प्लीज, प्लीज यार खा लो, दिल की बात है भाई, मैंने तो खा लिया ना, कर लो शादी, हाँ नहीं, पांच 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 बोल रही है यार, तीन खिलाए मैंने, खाएंगी कच्चा मुंह में भी, कच्चा अंडा खाना है इसमें, मुझसे शादी कर लेगी, नहीं ये शादी कर लेगी, मेरी जिंदगी का सवाल है, थैंक यू यार, थैंक यू, हाँ कुछ नहीं होता, खा लो फेंक देना, अम्मी मुझसे शादी कर लेगी, ये मुझसे शादी कर लेगी अगर खाएगी तो, शादी तेरे नल की देता अंडा तू का, मैं ना खासी शादी करे थी, मैं ना मैं आप से रह की यहां, प्लीज अम्मी इकड़ी गाल बुदने वे आई है लंदन का, एक खावे लंदन का आई है, लंदन का आई आके मैं पाकिस्तानी दिल वाले ने गाल ना बुद्दे, इकड़ी गाल बुदने मैं नहीं, करो खाए चलो, करो खाए, शादी खा लो ना प्लीज, पाकिस्तानी बुढ़िया प्लीज, प्लीज देखो गाड़ी खा छोड़, प्लीज नहीं खाओगे अभी, खाओ मेरी लड़की ना, कुछ कोने कुछ ना दीदी, अंकल भी खाए, अंकल अभी को खा, अंकल एकड़ो खाई छे, अंकल प्रोटीन आए ना, मैं भी वो कुछ भी ना है, एक्सक्यूज मी, मां जिम्मेदार ना, कुछ भी तीनो
यार मूवी ना बनाओ। हाँ मावी सराय की सिंधी है। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तां दिलवार आयो, तां देखार जे पाकिस्तानी सिंधी केतरा दिलवार आउन, बियो कोई न थो काए ते। थैंक यू दादा, यो ता सबूत अंडा खाओगे यार? अंडा खाओ, अंडा ऐसे ही खाना है यार। प्लीज दिलवार, मेरी शादी हो जाएगी उससे। वो इधर आओ, ये खा रहे हैं, प्लीज खा लो यार, शादी हो जाएगी। लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि भाई आपका दिल का मसला है और आपकी दिल लगी है तो हम ये काम करेंगे। एक बंदे ने दो खाए, फिर एक ने खाया, एक ने खा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लास्ट जो था उसको उसने मुंह से निकाल दिया। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे खा लो, ये खा लो यार, खा लिया प्लीज, पूरे हो गया, नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू यार, इतना किया आपने फेवर, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया दिल वाले। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, मेहरबानी है चाचा, बड़ी मेहरबानी। मुझे तो बड़ा शोर था कि मैं और आमिर जीत जाएंगे, अब वकार ने बुला लिया रिजल्ट्स के लिए। जी तो बारी बारी बताएंगे क्या क्या हुआ। आमिर सर बहुत अच्छा हुआ, हमने तो 500 खिला दिए अंडे और बड़ा मज़ा आया लोगों के साथ, मतलब बातें करके और उन्हें कन्विंस करने में आसानी से हमने कर लिया सर। तो राबिल क्या हुआ चैलेंज में? सही था, अच्छा था, बस वहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड एरिया था तो कुछ लोगों को डेफिनेटली वो देख रहे थे तो वो बोल रहे थे कि वकार किधर है और ये चैंपियंस आए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा था क्योंकि लोग पहचान रहे थे ज़्यादा, तो बाकी जिनको नहीं पता था उनको हमने फिर फुल ट्राई की, कन्विंस कर लिया था। जी हमाद और सुधरा क्या हुआ? The challenge was good, बस ये चैलेंज अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बस लोगों को थोड़ा सा ये कन्विंस करने में मसला हो रहा था। सब एग्री थे कच्चा अंडा खाने के लिए, पर छिलके के साथ थोड़ा मसला हो रहा था। हमाद प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि वो लोग कह रहे थे इस अंडे में कोई फॉल्ट है, ये अंडा प्लास्टिक का है, हम क्यों खाएं, पहले तुम लोग खाओ तो फिर हम खाएं, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट इट वॉज गुड। जी अभिया और याया अच्छा था सब कुछ, मगर लोगों को बहुत ज़्यादा शक हो रहा था अंडे पे, सब ये कह रहे थे कि नहीं आप लोग इस पैर खुद खा लें फिर हम खाएंगे, और बहुत से लोग तो दूर दूर भाग रहे थे, वो पता नहीं आ भी नहीं रहे थे पास। कुछ लोग दूर भाग रहे थे और कुछ कह रहे थे पहले खुद खाओ फिर हम खाएंगे, हमें शक हो रहा है अंडे पे। जी बिलाल ऑब्वियसली मुश्किल टास्क था, लेकिन आसानी से तो नहीं हो पाया, लेकिन एक जो बीच में जो ट्विस्ट आया वो आपको भी पता होगा। क्या ट्विस्ट आया? मुझे था ही नहीं हुआ तो मुझे क्या पता। हमारी आप बताइए क्या ट्विस्ट है। हमने कोशिश की कि हम कन्विंस कर सके लोगों, पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश की, थोड़ा सा। हाँ मेरे ख्याल से मैंने तो अच्छे से कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो पीछे पड़ गए थे। सुने पुलिस आई? हुआ ये था कि मैंने उन्हें कहा कि पहले तो हमने, पुलिस क्यों आई ये बताएं सर। वो ये मसला ये हुआ था कि इन्होंने 10,000 का, उन्होंने बोल दिया कि 10,000 में दूंगी आपको और आपको 5 अंडे खाने, और जो मेरी हलक थी वो तो सांस में अटक गई थी क्योंकि अगर इन्होंने खा लिए तो फिर पीछे मेरे ही पन्ना है। फिर बीच में पुलिस आ गई क्योंकि सारे आवाम जो है ना पीछे भाग रही थी मेरे, मैं तो वैन में जाके छुप गया। फिर आपकी टीम को भी काफ़ी मुश्किल थे, फिर हम स्टेशन गए। तो अजीजाबाद थाने में कम से कम आप लोग 2-3 घंटे तो रहे, तो थाने में आपको क्यों पकड़ा, मारिया को क्यों नहीं लेकर गए? सर मारिया दूसरी वैन में थी, मैं दूसरी वैन में था, तो उनको यही नहीं मालूम था कि मेरे साथ और कंटेस्टेंट है, और ये है बेसिकली शो क्या है। जो भी कुछ हुआ हमने तो कोई कंडीशन आपको दी नहीं थी, ना ही मैंने आपको ये कहा था कि पैसे ऑफर करने हैं नहीं करने, अंडे जैसे मर्जी खिलाने। सीसीटीवी पे आपने कपड़ा क्यों फेंका था? कपड़ा वो मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता चलता है कशफ ने मेरे बारे में बड़ी बुराइयाँ की हैं, तो मैं उसके सामान के साथ कुछ कह रही थी। क्या? उसकी चप्पल थी वो मैंने तोड़ी है। ये क्या, कितने साल की हैं आप? बच्चे मॉन्टेसरी के आप लोग, क्या आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं? और कैमरे पे फिर आप फेंकेंगे कपड़ा तो पता तो चलेगा, अगर किसी के साथ कोई साजिश भी करना चाहते हैं तो इतनी बचगाना हरकत क्यों करते हैं? तोड़े चप्पल, जो भी करना है करें, सामने तोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है? आप ये कैमरे पे जब डालेंगे कितनी बेवकूफ लगेंगे आप लोग के कैमरे पे फेंक रहे हैं कपड़ा, तो आप कैमरे पे फेंकते ही पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ गलत कर रहे हैं, वैसे तो शायद पता भी नहीं चलता। क्या बोला था कशफ ने ऐसा? मुझे बताया गया कि ना कशफ मेरे बारे में बुराइयां कर रही थी, लेकिन कशफ मेरे सामने बहुत अच्छी बन रही थी। लेकिन कब, आपको किसने बताया बुराइयां कर रही थी? मुझे अभिया ने बताया। जी अभिया क्या बताया आपने? एक्चुअली मैंने इन्हें बताया था कि जब कशफ जाने लगी तो कशफ ने इनसे बोला था कि अभिया से मोहतात रहना,
तो उसमें मैंने इनको ये बात बताई थी कि जब तुम यहाँ से चली गई थी तो कशफ तुम्हारे मेकअप के बारे में, तुम्हारी ड्रेसिंग के बारे में बातें किया करती थी, तो वो सारी बातें मैंने इनको बताई थी, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। और इसके बाद जो है इन्होंने फिर कहा कि मुझे अभी कशफ का सामान के साथ कुछ करना है, तो फिर वो एक लिपस्टिक लेके कशफ कशफ को नहीं, रुबाइशा के लिए लिखा था इन्होंने एक्चुअली, और कशफ की चप्पल तोड़ी थी इन्होंने, याद नहीं है इन्होंने लिखा था, आंटी रुबाइशा, आंटी रुबाइशा क्या लिखा था मारिया, वो तो नजर आ रहा है वैसे आपसे पूछ रहे मैंने लिखा था रुबाइशा आंटी रुबाइशा एक तो ये हस्ती बहुत है जल्दी जल्दी बता दो क्या बोला था है ना, जल्दी से बात को आगे बढ़ाए, जल्दी बोलो, आप पता चल जाएगा ना वो सब, नहीं आप बताएंगे तो पता चलेगा। मैंने लिखा था एक कमोड को डब्ल्यूसी के तरह ऊपर चढ़ के यूज करने वाली, और पता नहीं क्या क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है। कैमरे के साथ ना करें, देखें मैं आपको फिर एक बात बताऊं, आप घर में किसी को मारते हैं, पीटते हैं, किसी के बारे में कुछ भी करते हैं, ये आप लोगों की पर्सनैलिटी सामने आ रही है, वरना इसको एक नॉर्मल शो बनाते, आप घर जाएं, वापस आएं, अगले दिन चैलेंज करते जाएं। ये जो साथ मोबाइल फ़ोन और हर चीज़ के बगैर रखा जा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आप किस हद तक जा सकते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने नेगेटिव हो सकते हैं, कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर ये ना करना हो तो मैं तो पहले ही मना कर दूं, कैमरे पे कपड़ा डालने से क्या होगा, वो कैमरा क्या कश्यप के घर पे जा रहा था, सिर्फ कश्यप देखेगी, कैमरों को कोई नहीं छेड़ेगा, वो फिर आप अपने आप को और ज़्यादा सस्पिशियस बना रहे हैं कि पता नहीं आप क्या ऐसा कर रहे थे, कोई ऐसी खास चीज़ तो हो नहीं रही थी, फाड़े कपड़े एक दूसरे के, जो मर्जी करना है, ये आपका अपना सब कुछ है। आज जो टीम जीतेगी उस टीम को IHIG हैप्पीली वाउचर्स की तरफ से भूरबंद में 2 दिन का स्टे मिलेगा। वाओ। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये 2 वाउचर्स मिल जाएंगे 30,000 वर्थ के, ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स ऐड होते जाएंगे ऐसा ऐसा, और जो आज जीतेगा उसको रेबल की एक वॉच भी मिलेगी, लेकिन टीम में से जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको। आज जो टीम जीती है, सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से, अभिया और याया 3 अंडे खिलाए और 1 अंडा वो बंदा नहीं खा सका जी, बताएं क्या हुआ, इतने खिलाए जितने खिलाए भाई, हमने खिला दिया था, हम लोग आगे चले गए तो हमें पता नहीं उसने पीछे से निकाल दिया, पीछे से निकाल दिया, हम लोग आगे चले गए तो हम लोग के पीठ पीछे उसने मुंह से निकाल दिया अंडा, क्या हम लोग जब आगे चले गए थे ना किसी और को कन्विंस, आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा अहम होता है, जुमला जब आप कम्प्लीट करें चैंपियंस लगने चाहिए ना आप, भाई हम लोग जब आगे चले गए थे ना किसी और को कन्विंस करने, तो फिर उसने उगल दिया था अंडा बाहर, हाँ उगल दिया था ना, पीछे से क्या मतलब, तो इसका मतलब आपको ये पता ही है ना जी, वरना इस तरह तो आप 10 अंडे मुंह में डलवाएं किसी के, बाहर वो सारे फेंक दे, तो आपके 2 अंडे हैं जी। उसके बाद सिद्रा और हमाद 3 अंडे खिलाए, 1 बाहर आ गया, 1 उन्होंने टूट गया था उनसे और वो छिलके के साथ फिर उसको वो नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर वो कर दिया, वही ना जी, बाहर exactly. आ गया 2 अंडे जी। अब टीम्स बचती हैं मारिया और बिलाल, राबेल और आमिर, आप में से जो टीम जीत गई है, आमिर और राबेल क्या लग रहा है मैंने तो पूछा है क्या लग रहा है, ताली तो आपने ऐसे बजाई इंतजार कर रहे थे मेहनत की है, मतलब अच्छे से कन्विंस किया था मैंने तो अपनी फुल ट्राई मुझे लगा था मैंने मतलब सही किया, जो पता नहीं मैं सेकंड नंबर पे आया, पर मैं खुशी हो रही है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कब का सेकंड नंबर पे आया, जीत गए थे, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैं तो पूछ रहा था आपसे मुझे लग रहा है सर एक्सपेक्ट मतलब जी। मारिया क्या लगता है आपको, मुझे लगता है हमारी टीम जीतेगी क्योंकि हमने बहुत आराम से खिला लिए थे अंडे। अच्छा बिलाल सर सर मुझे कुछ नहीं लगता सर जो आपका फैसला होगा वो, कुछ नहीं लगता आपको सर मतलब जो आप कहेंगे, क्योंकि शुरुआत में अपनी फिर वो होशियारी में जान देते हैं, हमने खिलाए तो थे हाँ खिलाए, लेकिन उनको बोलने देना यार पहले, वही सेम गलती ना करो ना आमिर वाली यार। कैसी लगती है मारिया आपको अभी टास्क के बाद पता चल गया होगा ना, हाँ मतलब थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी लेकिन अब जब शो में आई तो थोड़ा सही हो गई, अब सही से मुराद अब ज्यादा बात कर रही हैं, तो आइंदा भी पार्टनर बनाएंगे या आपको लगता है नहीं भाई इसके साथ नहीं सर स्ट्रॉन्ग है क्वालिटीज, नहीं मैंने पूछा कि क्या आप इनके साथ दोबारा पार्टनरशिप करना चाहेंगे, हाँ अगर बिल्कुल अगर इनकी परमिशन होगी तो मैं बिल्कुल पार्टनर, मम्मी है तुम्हारी नहीं
मारिया, आप एज अ पार्टनर, एज अ टीम मेंबर बात हो रही है कि आप आइंदा भी इतने के साथ इस तरह चाहेंगी, या आपको लगता है नहीं यार आई डोंट थिंक सो मुझे किसी और के साथ ट्राई करना चाहिए? नहीं, मुझे ये ठीक लगते हैं, बात मान लेते हैं तो हाँ बात मानते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ इनके साथ पार्टनर। तो इस कॉम्पिटिशन को आमिर और राबेल आप हार गए हैं। सर कैसे कैसे बताए, हमने तो सही से खिलाए और जल्दी खिलाए सर, पांचों। एक अंडा बाहर आ गया था, एक लास्ट वाला आया था, थोड़ा था वो सर, उसके अपने मुंह में डाला था तो उसको वॉमिट आ गए थे। फिर आगे से बहस करते हैं कैमरे पे, जब एक चीज कैमरे पे आ जाती है तो उस पर बहस क्यों करते हैं? आप इस कॉम्पिटिशन को एक अंडे से हार गए हैं, मारिया और बिलाल इस कॉम्पिटिशन को जीत गए। ये वाउचर्स मिलते हैं आपको IHIG हैप्पीली वाउचर्स की तरफ से, टू नाइट स्टे है भूरबंद में आपके लिए। जी किसके साथ जाना चाहेंगे? सर अम्मी के साथ, क्योंकि सर मैं जो हूँ वो इससे पहले बन रहा था प्लान, लेकिन आपकी टीम की तरफ से आ गया। हम लोग जा रहे थे कोयटा नॉर्थन एरियाज में, तो ये भी नॉर्थन एरियाज की तरफ ही आता है, तो मैं फौरन जाके अम्मी को एक खुशखबरी दूंगा। तो आप किसके साथ जाएंगे? अच्छा आपने पूछना है। आप मारिया किसके साथ जाएंगी? मैं अपनी बहन को दे दूंगी या भाई को। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने क्यों पूछा? मैं नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया सर, ऐसे ही पूछा सर। मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने खुद ही पूछ लिया सर। मैंने ऐसे ही पूछा सर, मेरी कोई ऐसी कोई नहीं थी। क्या ऐसी कोई बात नहीं थी? ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैंने कब बोला है? तो सर मतलब आपका जो रिएक्शन है ना वो ऐसा आता है कि कैसा आता है मेरा रिएक्शन? नहीं मतलब आपका ऐसा रिएक्शन सही नहीं आता, मेरा रिएक्शन नहीं सही आता है सर। लेकिन सर मैं जीता हूँ तो मैं अम्मी को दूंगा इंच। ये दोनों जीत गए, इसका मतलब अब राबेल के पास लास्ट टाइम जो पावर्स थी वो अब इनके पास आ गई। पावर क्या थी राबेल के पास? तीन लोगों को एलिमिनेट करने की। दो लोगों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आप टॉप एट आ गए हैं, तो मैं आपको मौका दूंगा। यहां से आप लोग बूल हाउस में जाएंगे। अब है आप लोगों के लिए चैलेंज, वो चैलेंज जो जिंदगी में हर एक को आता है, दूसरे को मुतमईन करना, कन्विंस करना, या कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लेना। तो अब इनके हाथ में पावर्स हैं, 15 मिनट बाद यहीं दोबारा मिलेंगे और आप दो नाम देंगे। आप इनको आसरा दे सकते हैं और यहां के मुकर जाएं। आप इस आसरे में मत रहें कि वहां आप क्या बोल रहे हैं यहां क्या बोल रहे हैं, और आप जो भी नाम कहेंगे वो दो नाम बैकपैक घर चले जाएंगे। आपका वैलिड रीजन होना चाहिए कि यार मुझे ये लगता है कि चैंपियंस में ये जो बंदा निकल रहा है, ये जो बंदी निकल रही है, हमें लगता है ये अगर आगे जाके जीता तो चैंपियंस शो का नाम खराब होगा, या हमें लगता है बिहेवियर इसका सही नहीं है। एक घर में जब आप रहते हैं तो वहां पर जो आपको नहीं पसंद आप उसके बारे में वोट आउट करते हैं। हम आपकी पसंद नापसंद पूछ रहे हैं। ठीक, अरे कैसी पढ़ाई है? थैंक गॉड, शुक्र है। राबेल यार लड़कियां सारी एक तरह से भाई है। थैंक यू, बैठ जाओ यार प्लीज। अभी कांग्रेचुलेशंस जो तेरे ना हुए किसी के ना। हम खाने खा आमिर हां बे ड्यू मैं पियो ना, पी लो ना। मेरे दोस्त ने सेवन अप क्यों लिए? नहीं वो मेरे लिए, मेरे को दे। तो तुम्हारे लिए मैंने सेवन अप कर दिया। नहीं हमने डिसाइड ये किया कि एक नाम बिलाल लेगा, एक नाम मैं लूंगी। मैंने कभी तुम्हें नहीं निकालना था, ना निकालूंगा आगे भी। किचन में जा रही थी कैचअप। बिलाल आज तुम लोग का दिमाग काफी अच्छा है। ओए मोटे वैसे डर लग रहा था भाई को रखना है। बताया 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 भाई। इफ यू गोना टेक माय नेम जस्ट रिमाइंड वन थिंग कि जब मैं बाहर से तुम्हारा वो मोनोलॉग देके आई थी उसके बाद आई केम एंड आई स्माइल्ड इट्स ऑल राइट। बाकी तुम्हारी मर्जी। पता है मुझे जी मैं बिलाल को बोल दिया मैंने। बिलाल ने कह दिया मेरे नाम नहीं लेगा। मैं बात बोलूं जितना डिस्कस करेंगे उतना खुद उलझेंगे। तो जिसको जो डिसीजन लेना है वो उसने वैसे ही लेना था। हम क्यों उतना नहीं हम उतना डिस्कस करें? हम तो जीत गए थे यार। सोचे तो समझ नहीं आती कुछ यहाँ पर होता क्या। ना मुझे ये बात समझ नहीं आई पैसों की ऑफर करी थी। तुमने बकार से क्यों नहीं पूछा ये? व्हाई डिड यू? तुम ये करते हो ना, तुम मुझे गड़बड़ लगती है इसमें। जो चीज हमसे नहीं पूछने की वो हमसे नहीं भरोसा डांट रहे थे ना कि आप लोग उस वक्त नहीं बोलते, आप लोग बेवकूफ हैं क्या? तो नीचे क्यों नहीं पूछा तुमने? ये पॉलिटिक्स कर रहे हो? उस वक्त तुझे याद नहीं आया था? आप लोगों का टाइम खत्म हो गया। दो ऐसे लोग हैं जो शो से आज
चले जाएंगे। इनके फैसला सुनाने से पहले आपको मैं एक और अनाउंसमेंट बता दूं, वो ये है कि आप में से जो भी आगे चलकर जीतता है तो टॉप थ्री लोगों के लिए एक और गिफ्ट है कि उन तीनों लोगों को सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी अर्निंग ताकि अच्छी हो जाए सोशल मीडिया से, उनको मैं पर्सनली खुद ट्रेनिंग दूंगा। अब आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दें इनके फैसले से पहले। जी आपने बोला था जो भी इशू होगा वो खुद सॉर्ट आउट करना है, तो फिर आपकी टीम ने बाद में आके सॉर्ट आउट किया। कौन सा इशू? ये जो इनका इशू हुआ था। कौन सा? ये जो आज देर के दौरान जो लास्ट में इशू हुआ था। हाँ। तो फिर टीम ने सॉर्ट आउट किया था, इन्होंने खुद तो नहीं किया ना। इन लोगों के पैसे की ऑफर भी तो की थी ना 10,000 के, तो वो नहीं करनी चाहिए थी ना। तो ये बातें कब बोलनी थी? पहले। कब बोलनी चाहिए? और इससे पहले जो है, एक मिनट खामोश सर, वो तो एलिमिनेशन का राउंड चल रहा है ना, उस वक्त आप लोग क्यों खामोश थे? जब इन लोगों को विनर बनाया गया तो पूछा गया किसी को कुछ बोलना है, तब क्या बोला आपने? वो तो राउंड खत्म हो गया, अब एलिमिनेशन से बात करनी है, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोले। आप जब भाग रही थी उल्टा, आपको याद है उल्टा भाग रही थी साइन उठाने के लिए, पीछे मुड़ के देखा था? नहीं। दिखाऊं? दिखा। फिर क्या होगा, चली जाओगी आराम से? चली जाऊंगी। मुड़ के देखती हो आप, किसी ने नहीं बोला इसलिए किया हमने। तो हमाद के बारे में भी सब बोले थे कि अपनी बात करो पहले, आपने सवाल किया है अपनी बात करो, ठीक है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, जब बात हो रही हो उस वक्त की बात उस वक्त किया करें, अगले दिन आके नहीं किया करें। उनको टीम ने नहीं, टीम के कैमरामैन के साथ मसला हुआ था तब वहां टीम गई है, कैमरामैन के साथ बदतमीजी हुई है तब वो गए, वहां जमघट्टा लगा है, उन्होंने खुद संभाले, मेरे कैमरामैन को कौन संभालेगा? इनको पुलिस पकड़ लेगी तो कौन संभालेगा? आप लोग संभालेंगे? और ये कब बोला कि पैसों की ऑफर नहीं कर सकते? किसी भी तरह जाके आपने कन्विंस करना है। एलिमिनेशन के बारे में बताएं, जो एलिमिनेशन के बारे में बात है, जो अभी बात हो रही है। मैंने कन्विंस किया है सर, अच्छे से किया है इनको। हाँ, ये बताएं। हाँ, सही से मैंने कन्विंस किया और दोनों के साथ मेरी बनती भी है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई भी। जी राबे? नहीं। जी भाई बिलाल तो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा, ओके तो बोल देता है बंदा, इसको कन्विंस कर रहे हैं तो बोले ओके ठीक है। ओके मैंने बोला तो है, मैं देख भी नहीं रहा भाई किसी की तरफ। तो मर्जी यार, अगर कोई जीत गया है उसकी मर्जी। जी हमाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? आम ओके। ओके नहीं, ठीक है जाया। नहीं भाई, दोनों ने मशवरा कर लिया है, एक नाम कौन सा है? हाँ दोनों ने मशवरा कर लिया, एक दफा आपस में दोबारा देख लें, अगर नाम एक नहीं हुआ, इसने कुछ और बोला आपने कुछ और बोला तो प्रॉब्लम है। एक नाम पहले बोल रहा है, कौन बोलेगा? मैं बोलना चाहूँगा मोहम्मद याया, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो थ्रू आउट जो है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझसे कोई तू तरह से बात करे, और ये जो ना टपोरी लैंग्वेज में रहते हैं और ये अपने आप को कुछ और समझते हैं, इस वजह से मैं इसका नाम लेना चाहूँगा। हाँ, और ये सेफ प्ले करने के चक्कर में ना साइड पे हो जाते हैं और बच जाते हैं, जो कि मैंने इन्हें टारगेट कर लिया। एक नाम हो गया याया। याया वाइल्ड कार्ड से आए, आपका सफर यहीं ख़त्म होता है। क्यों कन्विंस नहीं कर सके, क्या प्रॉब्लम है? भाई बोला था मैंने, अब इनको पता नहीं, यहाँ पे तो सभी तू तरह दे, हम एक साथ रहते हैं, एक एज के हैं, ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है, तो हंसी मजाक में तो बहन भाइयों में भी होता है, लेकिन ये पता नहीं ये तू तरह क्या बदतमीजी लगती है, इनको पता नहीं क्या मसला। आप बता सकते हैं बिलाल से जाने से पहले? असल में तू तरह का मसला नहीं है, आपका जो टोटल आपने भी बोला वो दुबला बंदी है, आप सेफ साइड। वो तो गेम है, गेम में तो मैं सेफ खेलूँ या मैं फ्रंट पे आके खेलूँ मेरी मर्जी है। हाँ तो मेरे को आपसे यही प्रॉब्लम है ना कि भाई क्या आप जो है ना दोगला बंदी से मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको मतलब मैं वो गेम नहीं खेलूँ, मैं अपना गेम नहीं खेलूँ, मैं आपको निकालना इसलिए चाह रहा हूँ, जो आप जो मैंने आपको बोला वही ठीक है, बस आपने बोल दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं आप कौन होते हैं चुप कराने वाले, आप बोले वो जा रहा है तो उसका वैलिड कोई बात हो सकती है, खामोश क्यों जाते हैं आप लोग जब दूसरा खामोश कराता है? मेरे अलावा कोई किसी को खामोश नहीं करा सकता, यहाँ अपनी बात बोला करो, फिर यहाँ से चले जाओगे तो बोलोगे मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। दोगला बंदी तो हर कोई कर रहा है, गेम खेलने का राइट तो हर किसी को है, मैं किसी के पीछे खड़ा होकर खेलूँ या मैं फ्रंट पे आके खेलूँ, दोगलापंथी थोड़ी होती है वो, गेम है, मैंने माइंड का गेम खेला, आप भी खेलो, आप भी किसी के, आप भी तो राबेल और आमिर हर किसी के साथ बैठते हो, मैं ये तो नहीं कहता आप उनके साथ बैठते हो तो आप दोगलापंथी कर रहे हो, या आप उनकी टीम में खेल लो, आप इंडिविजुअल नहीं खेल लो, आपका भी तो गेम है ना, मेरा भी गेम है। दोगलाबंदी अलग होती है, चमचागिरी अलग होती है, आप दोगलाबंदी ये करते हो कि इसकी बात सुन के इसको लगाते हो, उसकी बात सुन के उसको लगाते हो और आपस में कराते हो फड्डे। मैंने कौन सा फड्डा करवा दिया आप बताओ? आपने करवाया है फड्डे, करवाया कौन सा करवाया, नाम बताओ ना किसका करवाया है? करवाया ना, आप मैं डीपली जाना नहीं चाह रहा। नहीं जाए आप डीपली, क्या मतलब ये इस तरह आधी बात को हम नहीं वैलिड मानेंगे।
सर डीपली सर ये मतलब इन्होंने पहले ग्रुप बनाया हुआ था कश्यप और फिर इसका और फिर जो ये कंटेस्टेंट जीत गई अपने राबेल तो राबेल के साथ अच्छा बिहेव करने लग गए मतलब जो जीत गया उसके साथ अब अच्छा बिहेव कर रहे हो मतलब उनका एक सोच नहीं है ना भाई आप एक बात रहो ना जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन आपको दिख रहा है जो जीत रहा है आप उसके लिए आप उसको आगे बोल ले उससे आगे अच्छी बात कर तो अगर आप बोल रहे हो मैं कश्यप लोग के साथ था तो उससे पहले सबसे ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग राबेल से थी किसी से भी नहीं थी मैं किसी बात भी नहीं करता था मैं राबेल से बात करता था आपने तो वो भी नहीं देखा कि मैं राबेल की तरफ से कश्यप लोग के पास चला गया आपको तो फिर वो बात भी करनी चाहिए मेरे को आपके फिर मैं कश्यप के साथ में दानियाल से ही बनी मेरी रुबेशा से भी बनी रुबेशा तो मैं शुरू में बात भी नहीं करता था ठीक है तो अब मैं आमिर के साथ भी बैठा हुआ था सुबह दोपहर में आमिर के साथ था आप लोगों के साथ था अब तो यहाँ पे कश्यप नहीं है ना ना दानिया है तो अब भी तो मैं सबके साथ बैठा हूँ ना लेकिन मेरे को आपके इस एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा एटीट्यूड कहाँ गया यार बात कर रहे हैं बात करने में कौन सा एटीट्यूड आ गया एटीट्यूड ये अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं आपको निकालना चाहूंगा जी बस आपका पर्सनल है ना ये बोलो ना हाँ पर्सनल है मेरा जी दूसरा नाम सोच समझ के राबेल क्या रीजन है मेरे पास राबेल के नाम लेने का बहुत सारे रीजन है क्योंकि अगर ये टास्क राबेल जीतती तो राबेल की तरफ देख के मुझे पता है कि वो मुझे ही निकालती क्योंकि इस तरह पहले भी बहुत बार हो चुका है जब कश्यप जीतने वाली थी तो कश्यप को इशारे करी थी कि मार्या को निकालो और ये आंखों आंखों में आई रोल करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी और के साथ आई रोल करती है ये किसी और के साथ करे समझ आती है मेरे साथ करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता थर्डली मुझे इनकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पसंद ठीक है आपकी अपनी पर्सनैलिटी आप करो दूसरों से बात करो इस तरह पर मुझे जिस तरह इन्होंने बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आपको जी कब बोला बाहर बोला था जब टास्क हो रहा था जी राबेल आप अपना भी बताया ना कि आप खुद क्या कर रही होती हैं ताली दोनों हाथों से बजती है ना एक हाथ से नहीं बजती आप मुझे कल आके बोल रही हैं मैं आपके साथ बिल्कुल ठीक थी आप किसी से पूछ ले बड़े आराम से तो आप मुझे आके बोल रही हैं मैं तो यहाँ तो मैं सीधा बनाने आई आपने आगे से क्या बोला तो आपको मैंने बोला बना दो सीधा आप इतनी अच्छी हैं कि आप मुझे आगे से मैंने कहा अगर आप बना सकती हैं तो आप बना दे सीधा आप मुझे बोल रही हैं मैं तो शो में सिर्फ तुम्हें सीधा बनाने के लिए वापस आई हूँ अच्छा ठीक है आपने मुझे क्या मुझे सीधा बनाने वाली जब आप आई मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की मैंने सिद्रा के साथ कुछ किया उसके बाद में बिल्कुल ठीक थी आपके साथ आपको फिर तो भाई गेम की क्या बात है जब मैं आपके साथ ठीक हूँ तो आप भी ठीक चले जब आप कुछ कर रही हैं तो मैं क्या चुप करके बैठी रहूँगी आप शुरू में एक मसला हुआ था वो बॉटल वाला आप ब्रश लेके वॉशरूम में पानी की बॉटल यूज कर रही थी पानी काम था हमें बोला गया था कि पानी नहीं मैंने आपका नाम नहीं लिया था मैंने कहा था वॉशरूम में यूज हो रही आपने बोला कि आपने भी बातें नहीं किया करें अच्छा नहीं लगता ठीक है थैंक यू मुझे लगता है कि मेरे डिसीजन से हर कोई खुशी होगा जी बिलाल आपका भी ये डिसीजन नहीं ये इनका अकेले का डिसीजन क्योंकि राबेल मेरी अच्छी दोस्त आपको मैंने अभी क्या बोला आपस में डिसाइड करें जी क्या बोला आमिर मैंने सर आपस में डिसाइड करके भले टाइम ले लेकिन एक नाम ले दोनों और जब नाम लेना था तो उससे पहले बोलना चाहिए उससे पहले बोलना चाहिए उससे पहले सो रहे होते हो ड्रामा करते हो उस वक्त उसको दिखाना चाहते हो उसको भी दिखाना चाहते हो मैं उसके साइड पे हूं उस वक्त बिलाल तुम बोलते हो उसे कि मैं नहीं रहा थी अगर ये मेरी टीम में होती ये बोलती मारिया को निकालना है मैं कभी से नहीं बोलता क्योंकि मैं नहीं चाहता या तो आप करते हैं बहुत चलाकी आप कहते हैं जाने दो दूसरे पे आने दो क्या फर्क पड़ता है इसका मतलब ये है कि याया भी फिर मारिया चॉइस याया है आपने निकालना याया को जी तो जब मैं बोल रहा होता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तब तो आप खामोश होते हैं दोनों डबल गेम नहीं करो ठीक है वरना दोनों की पावर चली जाएगी अभी राबेल को आप निकालना चाहते हैं जी राबेल क्या आप इससे क्या प्रॉब्लम है हमने कुछ नोटिस नहीं किया बिलाल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं मारिया से क्या प्रॉब्लम है मारिया से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट ये जब इधर जब हम लोग आए थे बिगिनिंग में तो सब ने बोला कि पानी नहीं है पीने के लिए बॉटल्स किधर गई तो वॉशरूम में बॉटल्स पड़ी थी मैंने बोला वॉशरूम में यूज हो रही है मुझे नहीं पता था ये यूज कर अच्छा, तो पहले दिन की ग्रज है या कोई और हाँ, पहले दिन की ग्रज है तो इन्होंने बोला आपने मुझे हाईलाइट किया मैंने कहा मैंने आपका नाम नहीं लिया जी, उसके बाद से ये सर हमने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया है अगर दूसरे नंबर पे आए तो हम टास्क करके आए हैं राबेल और मैंने दोनों ने मेहनत की है इन लोगों को ये भी देखना चाहिए किसने टास्क में बुरा परफॉर्म किया है पर्सनल ग्रजेस पे निकालना नहीं चाहिए मुझे नहीं लगता ये फेयर है क्योंकि फेयर गेम खेलनी है तो जिसने गेम अच्छा नहीं खेला उसे निकालो यार ने नहीं किया आपने निकाल दिया दूसरा भी ऐसा नाम अच्छा लो गेम नहीं किया भाई तू लास्ट नंबर पे आया भाई आज ही आऊ ना आया तो ना अभी टास्क अभी पे निकाला जा रहा है कल वाले अभी पे बकार भाई ने बोला आप अभी वाले टास्क में निकाला जा रहा है टास्क का नहीं देखो कौन स्ट्रांग है कौन लूजर है बता रहा हूं बकार नाम तो आप मेरा ले रहे हो ना तो तू लास्ट नंबर पे आया तेरा वैलिड है आप अपना पर्सनल निकालो आप अपना दूसरा भी कोई ऐसा नाम लो जो टास्क में अच्छा परफॉर्म ना किया हो जिसने यार
टास्क का फायदा ये हुआ कि एक कोई विनर बनेगा, उसके पास पावर आएगी। ये जो राबेल ने कल तीन लड़कियां निकाली हैं वो भी ये कह रही थी, हमने तो आज से 1000 साल पहले एक टास्क जीता था, नहीं सर उसके ऊपर मुझे क्यों निकाल दिया? नहीं सर, टास्क की बात हो रही थी, टास्क उसी टास्क में। असल आप लोग अभी तक अगर गेम नहीं समझ पा रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? घर में आप रहते हैं, वहां एक दूसरे के साथ आपने ऐसे बना के रखनी है कि जब देर हो, एलिमिनेशन हो, तो ये आपको ना निकाले। अब मुझे नहीं पता कि आपने गाली दी है नहीं दी है, ये आप लोगों का अपना मसला है। आप कह रही हैं कि आपको आने के बाद गाली दी है, और इससे पहले ये चले, ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है, जब कश्यप क्वीन बनने वाली थी तो तुमने क्या कहा था कि इसे निकालो इसे निकालो? मैंने नहीं बोला, तुमने झूठ मत। मेरे साथ उस टाइम बिलाल से नहीं बन रही थी और बिलाल उस टाइम हार गया था। कश्यप को मैंने कुछ भी नहीं बोला था, उसने सबको निकाल दिया था। अगर इतना मेरे कश्यप के साथ होता तो कश्यप मुझे रोकती। और दूसरा ये कि आज आप मेरे फ्रेंड्स को मेरे अगेंस्ट कर रही हैं कि आप बाहर से देख के आई हैं सब सारी चीजें, तो आप बोल रही हैं कि इसने तुम्हारे अगेंस्ट बोला है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मेरे फ्रेंड्स को मेरे अगेंस्ट क्यों कर रही हैं? आप सामने बैठ के करनी थी, मैं तो आपके मुंह पे कर, तो आपने क्यों किया? तो इस फिर मैं क्या बोलूं कि आप बहुत अच्छी हैं, वैसे एक बात है, तुम्हारी दोस्त लॉयल नहीं है क्योंकि मैं बाहर देख के आई, उसने तुम्हारे बारे में ये बोला है, इसने ये किया है तुम्हारे बारे में, मैंने जिसके बारे में जो बोला है उनको पता, लेकिन ये जो आप दूसरा बोल रही है ना गलत, कि ये तुम्हारे लॉयल दोस्त है, आप क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग की गलत करी? और ये पहला जो था उसी दिन से था, और मैं नहीं सब आपको निकालना चाह रहे थे इस वजह से नहीं, क्योंकि आप काम नहीं करती और काम करने मेरी मैं नहीं सिर्फ बोल रही थी, सबने बोला था, आपसे मुझे भी टारगेट कर, मैं आपको टारगेट नहीं करी, आप जो अपनी आई और आपको मुझे आजकल बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप अपनी लैंग्वेज भी प्लीज ठीक कर दी। मैं लैंग्वेज को क्या ठीक कर लूं? आपकी लैंग्वेज ठीक जो आप लिख के आइए कल जो वो आपने बड़ा अच्छा लिखा है, ठीक है, आपने जो कल लिखा है, कल जो एक मिनट रुकें, कल जो आप लिख के आइए आपने बहुत अच्छा आपने जो पीछे हरकतें की वो भी आपने बहुत मैंने क्या लिखा है? मैंने तो कुछ भी नहीं, आपने जो हरकतें की है सबको पता है, मैंने जो भी हरकतें की है मेरा आपके साथ में, जो आप मुझे बोल रही है ना कि मेरी लैंग्वेज खराब, जो आप लिख रही है वो ठीक है, मैंने आपको निकाला, ठीक है, आप किसी एक बंदा चला गया, इसकी जूतियां फाड़ फाड़ के देख रही, किसी की चीजें खराब करी, मैं तो मानती हूं, आप तो मानती नहीं है ना अपनी गलतियां करके। मैंने जिस जिससे आप बिलाल भाई से मेरी लड़ाई हुई थी, अगर वो मेरी साइड ले रहे इसीलिए क्योंकि मैंने उसे सॉरी किया, मैंने अपोलोजाइज किया, अगर मैं बिलाल भाई ऐसा है तो इससे सब खुश है। मैं अभी उसे बात कर रहा हूं, बिलाल भाई मैंने आपसे सॉरी की थी ना, हाँ, की जब थी। मैंने अब मेरी और आपकी लड़ाई हुई थी, तो जहाँ मेरी गलती होती है वहां मैं सॉरी करती हूँ, जहाँ मेरी नहीं होती वहां मैं नहीं करती, तो आपको फिर मुझे भी सॉरी करना चाहिए बहुत चीजों पे, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जहाँ मैं, 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 मेरी गलती है, मेरा जो डिसीजन था, अब आगे हाँ मेरे यहाँ के बैठ जाए या वहां जाए जी। राबेल यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? अच्छा था। कौन लगता है कि ये जीतेगा तो पर्ची लगेगा, और कौन लगता है ये जीत गया तो सही जीतेगा? जब ये दोनों आई थी तो आंसर्स पता थे, वो बाद में बात हुई, तो अगर ये और ये भी मेरी अभी से ठीक है, लेकिन ये तो फिर लगेगा कि पर्ची है, क्योंकि इनको कोई आंसर्स के बगैर बुलाया गया, जो एक अनफेयर सिचुएशन है, सही है, ठीक है। और बाकी अगर बिलाल भी जीत जाए, ये भी जीत जाए, ये तीनों जीत जाए, तो एक नाम मेरा ख्याल से आमिर, क्योंकि वो पहले शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में मैंने उसको देखा है, मैंने उसको इसलिए पार्टनर सेलेक्ट करती हूँ कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन टेकिंग पावर अच्छी है, फौरन वो डिसीजन लेता है और जल्दी जल्दी करता है जितना हो सके। तबियत भी खराब थी लेकिन वो बैक आउट नहीं करता। तो मारिया और बिलाल का ये फाइनल डिसीजन है, याया और राबेल। याया आपको कौन लगता है कि ये जीतेगा तो पर्ची, और आपको लगता है ये जीतेगा तो यार सही विनर? आमिर जीतेगा तो सही विनर है, वरना अगर सिदरा या बिलाल जो कुछ करता नहीं है, बस डेयर्स भी हारता ही है, आज का जीत गया वो किस्मत से, तो बिलाल का वो ऐसा लगेगा कि नहीं सही है, पर्ची लगेगा। हाँ ऐसा ही लगेगा, एक किस्मत तो नहीं थी आज किस्मत ही थी जो आप जीत गए, किस्मत नहीं थी, किस्मत ही थी जो एक बंदे ने 5 अंडे खा लिए। हाँ एक ही बंदे ने, किस्मत थी ना, किस्मत नहीं थी, किस्मत ही थी, किस्मत नहीं, लग बाय चांस था भाई, लग बाय चांस भी नहीं था, अपनी मेहनत थी, अपनी माइंड का सोर्स था, नहीं चीट कहाँ किया हम लोगों ने, ठीक है ना, एक बंदे को पैसे पे किए आपने, एक गरीब को जाके बोल दिया अंडे खा लो, पैसे पे किए आपने? नहीं कुछ भी नहीं, पैसे थे नहीं, एक बंदे ने ट्रिक कर दिया, कोई कहता मैं घर दे सकता हूँ आप ये कर ले, वो एक अलग बात है। बात यहाँ पर ये है कि आप की राबेल से अच्छी दोस्ती थी या ये शायद नहीं थी, नहीं थी। अगर आपका कोई दोस्त जा रहा हो और आपको पता है कि ये डिसीजन होने वाला है, तो आपको बात करनी चाहिए थी मारिया से। मैंने इसीलिए नहीं बोला कि राबेल को है बुरा लगेगा। अरे मैंने हाँ, तो इसका मतलब ये कि आपको पता था राबेल को निकाल रहे हैं, तो फिर यहाँ ड्रामा क्यों किया अभी आपने कि मुझे तो नहीं पता था राबेल नहीं निकलनी चाहिए? नहीं मैंने ये बोला कि ये कैसे हो सकता है, अभी मैंने यहाँ पर देखे बात सुने, यहाँ बैठे बैठे मैंने बोला आपस में डिसाइड करें, ठीक है, तो वो क्या डिसाइड हो रहा था? देखो राबेल से इनको प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम, आपने बोला कि ये गलत फैसला देने लगे, ऊपर कुछ बोला था यहाँ के कुछ और बोल, highly disappointed bro, as your wish।
मैंने आती ये बात बोली थी। याया और राबेल जाएंगे, पब्लिक वोटिंग हुई तो वापस आ जाएंगे, बाकी लोग शो में रहेंगे। ठीक है। बिलाल भाई बेचारे क्या कर सकते थे, क्योंकि मारिया भी थी तो बिलाल मुझे एलिमिनेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मारिया ने कर दिया तो और अब मैं इस चीज पे रोना पिटना नहीं डाल सकती थी। और मैं बिलाल भाई से क्यों लड़ूं, क्योंकि मुझे पता है वो उस बेचारा वो क्या करे। लेकिन थोड़ा बहुत फील हो रहा था कि यार मैंने इनको हर जगह सेव किया है, इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन ठीक है जो बंदे की किस्मत में होता है। और मारिया ने मुझे निकाल दिया, मुझे बड़ा अफसोस था। और मैं अब तो जाना होगा, अब तो कुछ नहीं आ सकता। अभी मुझे वैसे मैं लग रहा था कि मैं नीचे जा रही हूँ, पता नहीं एलिमिनेशन में नाम आता, मुझे लगता है कि आज मैं चली जाऊंगी। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती थी राबेल से, मतलब मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। ये बात तुम जो कह रही हो ना, वकार ने तुमसे कहा था कि बिल्कुल सच बोला, तो तुमने सच बोला। मैंने सच बोला और मेरा ये जो मेरे माइंड में था मैंने वो बोला। देखो एक बात बताओ, अब मैं अगर वापस आई तो उसका मतलब ये नहीं कि राबेल मेरे साथ अच्छी बनने की कोशिश करेगी, मुझे समझ नहीं आएगी। वी ऑल हैव टू गो थ्रू अनफेयर सिचुएशंस वेयर वी डोंट नो ना, कभी ऐसा होगा कि तुम्हें मुझे भी निकालना पड़ जाएगा, कभी मुझे ऐसा होगा। एलिमिनेशन इज नॉट द इशू, हम हर किसी को एक ना एक दिन सबको एलिमिनेट करना है, लास्ट में एक विनर रहेगा, तीन चार पांच नहीं, सही है। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एवरीवन विल गोना एलिमिनेट ईच अदर, सही है, समडे। लेकिन राबेल एक तरीके से अच्छी बात है चली गई, क्योंकि वो स्ट्रांग कंटेस्टेंट भी है ना। देखो ये वकार का दिमाग है, काया कभी भी पलट सकती है, तो अब ये नहीं कह सकते कि वो चली गई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ लेकिन यार मेरी कंसिडरेशन है कि राबेल अपना है यार, मतलब एक बार दिखा दिया ना उसने क्या उसका एम्बिशन बस अपना है बस। राबेल वाइल्ड कार्ड के जरिए आ सकती है, वो बेशक आ सकती है, पर मैं नहीं चाहती कि वो आए। अगर नहीं चाहती क्योंकि मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आती थी, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी। आमिर he needs space, नहीं but we need to talk to him as well, boy नहीं मुझे बात नहीं करनी किसी, बात तो सुनो। अच्छा मतलब मैं बहन नहीं हूँ, सारे भाई बहन के रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन बात नहीं अभी मैं अम्मू से नहीं हूँ। अरे गेम है तो उसको गेम की तरह ही रहने दो ना, ना कि आप अपने यहाँ पे हाँ नहीं आप गेम में सारी चीजें या फ्रेंडशिप वगैरह चीजें करो, ये ठीक नहीं है, उसको गेम की तरह। और अगर एक वक्त आया कि अगर मेरे को मारिया को भी एलिमिनेट, हाँ अगर मुझे करना तो मुझे कर देगा, और मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि भाई बिलाल मेरा दोस्त था और उसने बिलाल को सेव किया था, बिलाल ने मुझे कर दिया, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। क्योंकि देखो जब मैं आई तो तुम्हारी राबेल से अच्छी बातचीत थी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि यार ये क्या मेरे मैं गई और मेरे पीछे जो है ये राबेल, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके अपने वो दिल दिल नहीं जोड़े हुए थे, दोस्ती ठीक है, मेरी तुमसे अच्छी बातचीत थी, मैं चाहती मैं तुम्हें निकाल सकती थी ना, हम ले सकते थे ये डिसीजन, पर हमने नहीं। देखो तुम बार बार कैसे मेरा दिल तोड़ देती हो, ये बात मैंने, अब तुम नेगेटिव में जा रही हो तो उसका मतलब ये दिल नहीं जोड़े हुए थे। मैंने भी क्या कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा कि मेरी तुमसे अच्छी बातचीत थी बहुत, और मुझे पता है कौन क्या है, जबकि तुम पीछे बहुत मुंह चढ़ाती थी, पर मैंने कहा नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। पीपल टॉकिंग ऑफ माय आई वाज नॉट विद एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट साइड बिकॉज़ ऑफ इट, पीपल टेक्स्टेड मी अबाउट इट एंड आस्क मी व्हाटएवर कशिफ सेड एंड राबेल राबेल सेड नेशनल टेलीविजन मेरे की बात है तो मसला बन गया, तो उस बात आई कैन अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट आउट आई एम नॉट दैट पर्सन। राबेल को पता था, मतलब शी वॉज 100% श्योर कि मैं उसी का नाम लूंगी, क्योंकि जिस तरीके की उसकी हरकतें थी उसको पहले ही पता चल गया था कि मुझे उसी का नाम लेना। वो तो आज ये बोलनी थी कि जैसे अगर उसके पास पावर होती तो मुझे 100% में श्योर थी कि वो मेरा नाम लेगी, और जिस तरीके से वो कश्यप को बार बार बोलती थी मारिया मारिया इसको निकाल इसको निकाल इसको निकाल, फिर तुम्हें बात करने की तो तमीज नहीं है, मेरी जबान देखो तुम, मतलब क्या बोलूँ मैं, और 24 घंटे जबान पे गालियाँ। हाँ यार राबेल अपना है, बस यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला से, क्योंकि राबेल एक तो फिर तो तुम अपनी किस्मत अच्छी होने की दुआ करो, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और दूसरी बात कि राबेल अगर आई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, राबेल जो है वो दूसरों के बलबूते पे आके वो स्मार्टली प्ले करती है, वो चलाकी करती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर वो अकेली होगी ना तो वो 2 मिनट में निकल जाएगी, वो मैंने टास्क में देखा था, किसी की नहीं सुन अपनी गेम खेल और राबेल के इतना साथ मत, आमिर बेवकूफ है,
देखो ये चीज मैं समझ, मैं बोलना नहीं चाहती कि अगर मैं पॉलिटिक्स करने पे आई ना मैं सबसे ज्यादा हो सकती हूँ, सही है, बट दिस इज नॉट अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स ओनली, वी आर ह्यूमन बींग्स टू मैन, ये नहीं है कि रेस में अगर कोई है तो टांग दे दे के रेस में गिराओ, आहिस्ता आहिस्ता भी रेस जीती जा सकती है, ये इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना जिनको हवस होती है जीतने की वो हमेशा एंड में नहीं जाते और वो रह जाते हैं क्योंकि वो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम आगे क्या क्या होता है, ठीक है ये पप्पा का शो है लेकिन आगे शो भी होगा राबेल वापस भी आ जाए मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैंने उसका नाम लिया बस, वापस भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके मुंह तक लगना नहीं चाहती क्योंकि उसके मुंह शायद कोई भी लगना नहीं चाहेगा जिस तरीके से उसकी हरकत है, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे ना अगर मैंने राबेल का नाम लिया तो तुम में से कोई बोल नहीं रहा पर अंदर से सब खुशी हो रहे होंगे तो मेरी फर्स्ट डे राबेल से लड़ाई हो गई थी तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे सामने आके राबेल को बहुत बुरा बुरा बोला था, उसने मेरे पापा तक गई, उसने ये किया वो किया, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती, मगर जब तुम यहाँ से गई यहाँ पे सब मेरे अगेंस्ट थे, एक बार वही बंदी क्योंकि क्योंकि वो सब तुम्हारे अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि देखो राबेल अकेली थी और वो उसने तुम्हें यूज किया कि अब तुम उसके साथ पार्टनर बन गए, अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो अभी हाँ, किसी से लड़ाई नहीं हुई थी, राबेल की लड़ाई किससे नहीं हो सकती, राबेल की लड़ाई दो सेकंड नहीं हो जाएगी किसी से, उसके उसकी वो अपना मुंह खोलती है और दूसरा बंदा से लड़ने लगता है, लड़ाई नहीं हुई थी जिस दिन तुम यहाँ से गए उसके दो दिन तक लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई है तीसरे दिन जिस दिन मुझे याया ने एलिमिनेट किया, तो तुम्हें लगता है कि राबेल की कश्यप से और दानिया से, दानिया तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, उसको उसे निकाल दिया, उसको निकाल दिया, उसके बारे में क्या बोल रही थी कि मैं ये कॉफ़ी नहीं पीती क्योंकि ये दानिया के बालों में छुए और ये सब, मुझे इतना ऑकवर्ड लगा ना उस टाइम पे, मैंने कुछ कहा नहीं, और मेन चीज और ये इसने आमिर के साथ जो आमिर है वो भी जो है ना बेवकूफ हो की तरह खेल ले अपनी वो वाला टास्क हार गया, मटकी वाला जान वो सिर गई था, हाँ राबेल के चक्कर में हार गया, ऐसा कौन होता है यार, उस दिन वो टास्क मैंने भी दानिया को जितवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दानिया निकले, तो मैंने दानिया से कहा कि तुम मुझे ठुमका मार दो, जबकि मैं दानिया को मारने वाली थी, और मैं करीब थी, खुद ही निकाला उसकी दोस्त थी, जबकि In the evening, no, when the first day I came, what did you teach me that? Yeah, we need to play our game as well. Yes, and talk to everyone nicely, whatever was Yeah, on. It's about the house, if it's about the house only, yes. We're gonna talk to everyone, yes. But if someone will gonna come to us and bitch about someone, I am gonna stand up from there. Yeah. I am not gonna sit over there and go listen up the gossip, yeah, I'm interested. No, I am not interested in anyone's gossip. मुझे किसी के भी गॉसिप का पार्ट नहीं बनना। अगर राबेल अभी आती है घर में तो बिलाल आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अगर अगर वो आ भी जाए ना तो इट्स फाइन, तो पर मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट टास्क में भी उसको हरा के किसी ना किसी तरीके से उसको निकालूं, और वैसे भी नोबडी लाइक्स है लेकिन क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, उसको वो गालियां देती है, वो दूसरों पे हाथ उठाती है, और अगर खैर वैसे तो वो मेरे साथ कुछ कर नहीं सकती थी लेकिन अगर वो सोचती भी ना ऐसा करने का तो मेरे भी हाथ बहुत तेज चलते हैं। वो देखो और मैं ब्लैक बेल्ट, तो इसका मतलब वकार से बोला जाए कि अब रेस्टी का और मैं ब्लैक बेल्ट हूं। वो देखो वो देखो बेवकूफ आमिर का क्या हाल है, वो मुंह दे रहा था किए पे, आमिर का क्या दो दिन में ठीक हो जाएगा? दो दिन में क्या, दो घंटे में ठीक हो गए, इतने दिनों से उसने राबेल को ढाल बनाया हुआ था। वन थिंग आई वांट टू से, इफ इट वाज नॉट याहिया इट वाज मी, एंड मतलब नहीं, इधर इट वाज मी एज वेल, बट इफ आई एम नॉट नॉन डिजर्विंग सो आई एम गोना गो हैप्पीली। बिलाल टुक नो, दे वर डिस्कसिंग, तो आई न्यू, मतलब इवन आई वाज नॉट टॉकिंग टू मारिया, आई न्यू शी कैन नॉट टेक माय नेम। वैसे ये सुबह तो हम आज सोच रहा था, हमने तो पैकिंग शुरू कर दी थी कि दोनों मेरा नाम लेने वाले, स्पेशली बिलाल, तो उसने तो मेरे साथ मुझसे पैकिंग करवा दी थी। हमाद भी स्ट्रांग कंडीशन है यार, हमाद का नाम हम ले सकते थे लेकिन हम हमाद का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ना पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालता दूसरों पे, वो ठीक है वो फिर रिस्पेक्ट कर लेता, पर राबेल मुझे उससे नेगेटिविटी, मुझे वो स्मेल आती थी नेगेटिविटी की, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इतनी ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं ना अगर वो जहाँ पे खड़ी होगी ना तो वो जगह ही गंदी हो जाएगी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। मुझे पता है, शी कैन नॉट टेक माय नेम बट फॉर नाउ
Not for tomorrow. Yeah, not for day after tomorrow. But Bilal took my name and he said he was pretty convinced on that. Na, ke main naam lunga usi ka, kiska? Hamad ka. To isne Maria convinced him not to take my name and shifted that to Yahya. So it was nice of her. Varna, it was me going. Even though we were not talking. Yeah, I am okay with the Yahya thing. Because Yahya was not interested in voting. Even if I was in that situation, I was going to vote out Yahya and Bilal. Matlab, to be very honest, mere mind mein yahi tha. Maine bola bhi tha. Agar main buri insaan hoti, mera koi vote hai, main to khush ho rahi hoti. Kaun? Main. Haan. You know, jo bhi tha. Lekin sab kuch sort out ho jata hai na. But kal kitchen mein. जो राबेल भी बात बोली थी किचन में मारी ने कहा मैं तुम्हें आपके साथ आपके को सीधा कर लूँगी अब वो जो भी था बट अबिया वाज द वन हु शुड लीव द हाउस बट अबिया इज हर फ्रेंड टू ना शी वाज नॉट हर फ्रेंड कल मैंने इनका पैकअप कराया है दे वर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर सी सिंद्रा यू हैव टू गेट वन थिंग इफ आई वाज नॉट टॉकिंग टू मारिया इवन मतलब पहले दिन जब मैं आया तो आई वॉज वेरी एंग्री ऑन हर बट आई न्यू दैट शी कैन नॉट टेक माय नेम देखो अगर कल को मेरा नाम लेगा ना मुझे से कोई मसला नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ ठीक चला है शुरू से लेके आखिर तक और भी मुंह पे फेस टू फेस जो भी प्रॉब्लम हुई है इसने मुंह पे बोला पीछे नहीं बोलता तो इसलिए मुझे लेकिन ये मेरे साथ है और ये समझता है एटलीस्ट अगर आप टास्क कर रहे हो ना तो ये समझता है कि हाँ इस टास्क में ये करना है मैंने इसके साथ टास्क किया था तब मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसने टास्क को बहुत अच्छे से किया था ये और ये करता भी है और लेकिन दूसरी वाली बात पे मैं एग्री नहीं करूंगी कि ये जो है वो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है क्योंकि ये पीठ पीछे कुछ और नहीं ये जो है पीठ पीछे कुछ और होता है मुंह पे कुछ और होता है मेरे लिए तो स्पेशली यही होता है लेकिन यार नहीं मैं आपका नाम लेने वाला था फिर मैंने कहा जो ना आया वो मुझसे ज्यादा बदतमीज यहाँ पे आ गया चल बोलो तुम साथ जाओ वोट पे चलो जाना नहीं है चलो ओके तुम्हारा तो मैंने कुछ और ही सुना है क्या जाते जाते अभी भी डालूंगी वीडियोस और पिक्चर्स अच्छा अभी किसी ने तुम्हारे बारे में बात की पहले जो की थी वो सही की थी मैं उस बंदे पर डाउट यू विल गो एंड यू विल सी योरसेल्फ आई विल बेबी एक सजेशन चाहिए हाँ दिल से नहीं नहीं दिमाग से नहीं 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 छोड़ दे बैठो ना भाई ऐसा दोगलो बंदों से मैं मुंह लगना पसंद दो पोरी का एटीट्यूड नहीं है शादी का अभी एक सेकंड मुझे राबेल से बात करनी है एक सवाल का जवाब देकर मेरी क्लासेस तेरे पास थी हाँ, तुझे दे बाहर से देती नहीं नहीं भाई बस मेरे पास होना सही कहते हैं फर्स्ट इधर देखो मैंने बोल दिया वापस यादगार के तौर पर कुछ देके जाओ मारिया देके जाओ अपना नंबर देके जाओ अपना मारिया देके जाओ नंबर देके जाओ अपना बस किस पे लिख के दूं नंबर रुको मैं अब लिपस्टिक से अपने ऊपर लिखवा लूं नहीं नहीं मैं टाइम में इसमें कहीं ना कहीं भेजूंगी रिक्वेस्ट करेंगे I want to tell you something. अभी आ मैं किसी से बात नहीं कर रहा मेरा मूड हुआ है सही है तू तो बैठ कर सो हम आज के लिए बात करते हैं बैठ कर सो हाँ but I am telling you something यादगार के नाम पे उसने तुम्हें छोड़ा है मेरे पास
है. मैंने कहा कि यादगार के नाम पे क्या देती लेना चाह रही हो. अबे वो ऐसे ऐसे भेजेगा. दैट बुरी बात है. मैं भी निकल आऊंगा. पागल है क्या? इमोशनल दे दिया यार. मोटे चुप कर जा. वो किया है तूने? राबेल बात सुनो. थैंक यू. बात सुनो. सब कुछ बता दिया. आप भी रहेंगे. एक मिनट. एक ही पक्का बंदा था जिसको मैंने देखा है. बिलाल भी और तुम भी. मुझे पीछे तुम्हें रखते हुए बताते मेरे हाथ में. सिर्फ एक बंदा था जिसने मेरा थ्रू आउट साथ दिया. तुम बहुत गलत कर रही हो. मैं और ये मैं बाहर भी हूँ. ये मेरे साथ रहेगा और फिर तुम लोगों को पता लग गया. दिल लगी कि ये दिल लगी साथ नहीं दिया. दोनों बाहर. बिलाल साहब आप तो चुप करें. बिलाल चुप कर जा. जाते जाते तुम्हारी हवा टाइट करके जाऊं मैं. टाइम पास किया है आमिर ने. और बात सुनो. ये एक बात बोलना चाहूंगी. ये आमिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हमेशा रहेगा. और मैं उसको ये बोलूंगी भाई ग्लासेस लगा के रखा कर. उसको मेकअप के बगैर एक दफा देख उसको पता लगता है उसकी शक्ल कैसी है. अच्छी बात है. तुम तो पागल है. आर यू क्रेजी? जान का अजाब किया. आर यू क्रेजी? शी विल लिटरली तुझे चप्पल चप्पल मार देगी. फायदा चुप होके बैठ. अभी तुम्हें पता है लिटरली मुझे अभी यहाँ पे शर्म आ रही है. तुमने मुझे बिया की बात बताई. इसने बोला कि सिर्फ आमिर को फील हो रहा है और आमिर के बारे में बैठ के बोल रहे हैं कि आमिर तो दो दिन में ठीक हो जाएगा. मतलब आमिर को ठीक होने का मौका ही नहीं दूंगी. And she was eating food and she was really happy and she was smiling. जब मारिया जा रही थी तो अभिया को कैसे उसकी बैंड में जाके गई थी. ठीक है अभिया को मैंने कितना साथ दिया तुम्हारे साथ. मैंने भी उसको लेकिन अभी जब मैं नहीं होंगी राबेल को ढाल बनाया हुआ था. अभी जब मैं नहीं होंगी अभी जब मैं नहीं होंगी तो अभिया को भी पता लग जाएगा. कितनी सेल्फिश है यार ये अभिया. मुझे मैंने क्या बोला था दो दिन पहले. और मुझे इसके खिलाफ देखो मैंने उसके साथ कल रात को बैठ के मैटर सॉर्ट आउट कर लिए. तो अभी बोला जा रहा है कि भाई तुम दोनों प्यार कर रहे हो. एक बार बता. मैं खानदानी हूँ. मैं सच्ची दोस्त हूँ. हमारे पर्सनल मैटर बता. मैं सही दोस्त हूँ तेरी या नहीं? वो हमारे पर्सनल मैटर्स हैं. और अभी जो नीचे मैंने किया वो बिल्कुल सही था. फजूल का ड्रामा. फजूल का ड्रामा. जो लोग गलत हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता है. अबे छोड़ दो पता. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने जिस जिसकी बैंड बजानी उसकी बैंड बजाई है. मैंने कुछ अनफेयर नहीं किया. मैंने झंडे भी मारी. मैंने लोगों को इनकी औकात याद दिलाई. और जो जो रह गए कोई बात नहीं. सिद्रा ने बोला. सिद्रा ने ही बोला है. तुम्हें क्या तुम्हें नहीं लगता? मुझे बहुत कुछ लगता है. तुम्हें कुछ भी नहीं पता. जो तुम्हें लग रहा है ना वो मुझे भी अब लग रहा है. सिद्रा ने ही जाके बोला. अभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जा रहा हो तो पीछे से आग ना लगाई जाए. मिर्च मसाला लगा के लगाई जाती है. और मैं तुम दोनों को बोल रही थी ना अभी. हाँ वाज लाइक यू नो एक सेकंड में. कोई बात नहीं. जब कोई बात नहीं. अभी को टाइम आएगा. अभी भी जाएगी. बैठे एक बात मैंने पहले ही बोली थी कि ये जीत जाए ना मुझे लगेगा मैं जीती हूँ. क्योंकि इसने वहां वहां ये बंदा मेरे लिए हारा है ना. ठीक है जा नहीं था. इसने बोला कि तू जीत जा मैं हार जाता. ये बहुत बड़ी बात होती यार. अपनी जीत देना बड़ी बात होती. बड़ी बात होती है. और जहां जहां इसको था मैंने इसको वो किया. मतलब आप थोड़ी और जिस जिसको निकाला था मैं इससे पूछ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ. ये आज भी है ये बाद में भी और ये हमेशा रहेगा. बाकी जो थे सबने अपने औकात दिखा दी. और इसके साथ मैं इसलिए बहुत ज्यादा करती हूँ कि लोग जो मर्जी समझे. इन लोगों ने बोला जो भी बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ ये रीजन थी. देखो अभी भी नजर आ रहे हैं बंदे को पता लग जाता. ये रीजन थी कि ये इसके अंदर कोई ये ग्रीडी नहीं है. लालची नहीं है और सेल्फिश नहीं है. इसने मेरा हर जगह साथ दिया. मैंने भी इसका हर जगह साथ दिया. और मैंने जिस जिसको निकाला ये साथ था. मैंने से पूछा. इसने मुझे नाम बताया. ये आर्मर की जो कह रही है कि आंखों के इशारे. इसीलिए तो बोली क्योंकि मैं आमिर से हर चीज पूछ के करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना. आमिर मुझे बताता था तो बस हम लोगों ने कर लिया. कोई बात नहीं. आप लोग टूट के एक एक अलग अलग हो गए हो. आप लोग एक दूसरे के नहीं हो. कुछ नहीं होता. आप यहाँ तोड़ के खुश हो रहे हो. यार कुछ मिला या ना मिला. एक अच्छा खानदानी दोस्त मैंने अंदर ये भी बोला. ये भी बहुत बड़ी बात जो मुझे सही लगता है. और मैं आइंदा आने वाले टाइम में अगर जीती तो मैं करूंगी. अभी हा इज नॉन डिजर्विंग क्योंकि शी इज प्लेइंग पॉलिटिकली एंड शी इज बिचिंग. कौन सबके पीछे? कौन? अभी हा. कोई बात नहीं. तुम्हें क्या लगता है अभी हा जीत जाएगी? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे सुकून से आप किसी को रहने दूँ? ऐसे राबेल को पता था कि मैं उससे निकालूंगी. तो पीठ पीछे तो मैंने कोई गेम खेली नहीं है. पीठ पीछे तो मैंने भी उसकी कोई गेम नहीं खेली यार. मेरी ना बल्कि मैं तो यहाँ पर उसकी जगह. अगर वो मेरी जगह होती तो वो मुझे निकालती. ये बात तो मुझे पता है.
लेकिन वकार के सामने मैंने की साइड को लेने की दोस्ती का तो रखा ना भरम के हमारी जो दोस्ती फायदा खुद उसने देखिए वकार हमारी यहाँ पे ना दोस्तियों के भरम देखने नहीं बैठे मैं समझा शायद अभी डिसीजन हो जाएगा पावर तुमसे ले ली जाएगी मुझे भी यही लग रहा था उसकी अरे अकलमंदो बोला था नाम मेरा ले मेरा तो दिल के वहीं से उसके मुंह पे टेप बांध दूं कि बिलाल दो मिनट चुप हो जाओ अपना दिमाग एक जगह डालो लेकिन मैंने वकार को बोला भी अगर पावर मेरे हाथों से चली जाएगी तो मैं राबेल को निकाल मुझे तुम बोलते हो कि मारिया एक काम करते राबेल को नहीं निकालते मैं पता क्या बोल रहा था मैंने कहा था दोनों को नहीं निकालते फिर अगर तुम ये कर रहे थे तो किनको याया को भी निकालते थे तो किसको निकालते किसी को भी निकालते पावर ही ले ली जाती तो तुम ये कर रहे थे फायदा नहीं था ना फिर यार कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक ही होंगे कैसे हैं बिलाल आप ठीक हैं बिल्कुल ये क्या आज कैप क्यों ऐसे ही सर फैशन नहीं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप लोग अलग बनते जा रहे हैं ग्लासेस अच्छा दिखने के लिए सर वैसे भी अच्छे दिखते हैं थैंक यू सर तो अब आप हैं छह सबसे पहले तो दो दो की टीम्स बना लें और टीम वो नहीं होगी जो लास्ट टाइम बनी थी मारिया और मैं सिद्रा और मैं और बिलाल साथ बैठ जाए मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि लड़का और लड़की ने टीम बनानी है चलें अब तो बना ली लड़की लड़की भी बना सकती थी लड़का लड़का भी बना सकता था आपने कपल बनाना ज्यादा बेहतर समझा अब चेंज नहीं कर सकते नहीं अब नहीं कर सकते अब करना ये आपने यहाँ से आप एक लोकेशन पे जाएंगे आपको दो फूल मिलेंगे ठीक है दो फूल जो सबसे महंगे बेच के आएगा वो जीतेगा ओके सही डेयर बता नहीं सकते और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम बंदों को गुदगुदी करके आएगा ओके क्या करके आएगा गुदगुदी जो बंदा खड़ा है वो गरीब नहीं होना चाहिए ओके ठेले वाला नहीं होना चाहिए कोई मस्कीन बेचारा जो जा रहा है उसको नहीं तंग कर सकते आप जितने अमीर बंदे को गुदगुदी करके आएंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे जी सर उनको बोल सकते हैं कि हमारी शूट हो रही है नहीं क्या चुपके से अच्छा मतलब कुछ ऐसा करना है कि उनको ये मालूम भी ना पड़े और हमारे टास्क भी हो जाए जी गाड़ियों को रोक के गाड़ी को भी रोक सकते हैं जितनी बड़ी गाड़ी को रोकेंगे बाहर बुलाएंगे और कहेंगे हमने आपको गुदगुदी करनी है क्या हुआ मारिया करती रही है प्रैक्टिस है हंसने के लिए तो आसान चैलेंज है मेरे लिए बहुत जी कोई सवाल पूछना है आपने अच्छा यानी कि हम अगर रोज नहीं बेच पाए तो गुदगुदी करनी है दोनों में से कोई एक चीज करनी है नहीं नहीं दोनों करनी है जी सर एक टीम को एक फ्लावर मिलेगा या अलग अलग नहीं एक टीम को दो फ्लावर्स दो फ्लावर्स वो आपने बेचने और हम एक टाइम में अलग अलग भी जा सकते नहीं नहीं दोनों पार्टनर का मतलब तो साथ साथ रहना है यू नहीं हो सकते आप आपको एक जगह बताई जाएगी उस जगह से बाहर नहीं आ सकते पांच मिनट होंगे आपके पास ओके पांच मिनट में मैक्सिमम लोगों को गुदगुदी करनी है और फूल करना अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि हम इतना कर सकेंगे कितने का फूल बेच सकेंगे आप लोग एक मिनट दे रहा हूं आपस में डिसाइड करें सोचें और कितने लोगों को आप गुदगुदी कर सकेंगे और कितना अमीर वो होगा यानी इसका मतलब जब आप उतारेंगे तो आप उससे उसका प्रोफेशन पूछेंगे भाई जॉब करते हो इंडस्ट्री चलाते हो क्या करते हो बताइए एक एक हाँ हाँ एक मिनट है कितने का बेच सकते हैं फूल 600 में से दो ही जाएंगे कोई भी नहीं देगा 300 से ऊपर कोशिश करने में हर्ष नहीं लोगों के खरीदने में तो हर्ष है ना हाँ तो जितनी महंगी जा रही होगी उतने ज्यादा पैसे बनेंगे ना वीगो प्राडो को पकड़ेंगे और अगर हमें वीगो प्राण वाली जगह ही नहीं मिली चलो छोटी को देख लेंगे ऑल्टो मैदान को जी टाइम खत्म कौन पहले बताएगा
सर 500 से 1000 के करीब हम ले लेंगे। ये मैंने आपसे अंदाजा पूछा, एक फिगर बताएं। 1000। 1000 रुपए आप ला सकते हैं और कितने लोगों को? 15-20 एक बोलना है। 20 सर। 20 लोगों को आप गुदगुदी करेंगे और गुदगुदी का मतलब ये होता है कि वो के मुंह पे हंसी आए। जी सही है जी। मारिया ओहो आप बता दें। 700 फॉर टू फ्लावर्स। 700 रुपए आप लेकर आएंगे और टिकल हम लोग 20 20 या अभिया 6 लोगों को हम टिकल करेंगे और 1000 रुपीस। 1000 रुपए आप लेकर आएंगे और 6 लोगों को आप टिकल करेंगे। ये हो गया आपका टारगेट, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर बराबर हो गया गेम जी, तो फिर देखा जाएगा जिसने जो प्रिडिक्ट किया है वो उसके हिसाब से ही करके आया है। ओके तो फिर उस पर डिसाइड हो जाएगा। अब ये अकल आपने लड़ानी है कि टिकल कौन करे। कोई सवाल है तो भी पूछ ले। नो सर। नो सर। जो जीतेगा उसके पास पावर होगी 2 लोगों को निकालने की। ओके सर। अल्लाह करे कोई फैन ऐसा मिल जाए खुद ही हो जाए तैयार। अल्लाह करे हो सकता है कोई ऐसा फैन मिल जाए। मैंने तो आपको कोई लिमिटेशन नहीं दी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब आप जो करके आते हैं उसकी बेस पे लोग या तो आपके फैन बनेंगे या आपसे नफरत करेंगे। मशहूर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इज्जत के साथ मशहूर होना मुश्किल होता है। और जब वकार सर ने हमें डेयर दिया तो पहले मैंने इधर देखा फिर उधर देखा, तो आपके भाई ने बोला ये डेयर तो मैं ही करूँगा। जी हमाद क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब बहुत सारी बातें आ रही हैं बट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी यहाँ। कुछ नहीं, मैं अगर डिस्क्लोज करूँ तो शायद ये यहाँ किसी को मुंह भी ना दिखाए। मर्द का बच्चा वो होता है जो बात या तो करता नहीं है और करता है और खास तौर पे लड़की के बारे में। आपकी बात ऑडिशन वाली ऑन एयर करने से मेरा कितना फायदा होता, बीबीसी तक इशू बनता।